अरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलिए आज हम बनाते हैं फटाफट नाश्ते में सूजी के चिल्ले। इसके लिए मैं 250 ग्राम दही ली है, जो खट्टी दही थी। इसके अंदर 150 के आसपास मैंने छोटी पतली सूजी ली है। एक मोटी भी आती है, आप मोटी भी ले सकते हैं, पतली लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर मैंने टमाटर, प्याज और ये शिमला मिर्च डाल दी है, नमक मिर्च और सरसों के दाने। इसके लिए हमने एक चिल्ला बना के देखा, ये हमारा बहुत बढ़िया बना है। अब हम बताते हैं कैसे बनाना है। तवे पे हमने डाल दिया है थोड़ा सा रिफाइंड, और ये 2 बड़े चम्मच हमने डाल दिया है ये घोल। अब इसको हम आसपास से प्यार से हल्के हल्के हाथों से फैला देंगे। अब इसके आसपास डाल देंगे थोड़ा सा रिफाइंड। अब इसे 30 से 40 सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। गैस का मीडियम फ्लेम रखेंगे। ये देखो, ये सिकने लगा है, तो इसे बड़े प्यार से ऐसे करके इसको हम पलट देंगे। अब थोड़ी देर और सिकने देंगे। ये हमारा लगभग सिक चुका है, अल्टा पलटी करके देखेंगे, इतना ही सेकना होता है। अब हम इसमें दूसरा डालते हैं। ये देखिए, अब हमने तवे पे दूसरा डाल दिया है, आसपास इसके हमने रिफाइंड लगा दिया है। अब इसको भी 30 से 40 सेकंड तक इसमें पड़े रहने देंगे और बड़े प्यार से पलटेंगे। अब ये आसपास से थोड़ा सा सिक चुका है, अब बड़े प्यार से इसको हम पलटेंगे। अब आसपास इसके थोड़ा सा रिफाइंड लगा देंगे, 1 आध बूंद बस। ऐसे ही है बस। अब हम इसे 1-2 सेकंड रख के इसे उतार लेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके हम सारे उतार लेंगे। अब हमारे सारे चिल्ले तैयार हैं। अब हम करेंगे सॉस के साथ इसे सर्व। खाइए और बताइए फटाफट बनने वाले सूजी के चिल्ले कैसे लगे। तब तक के लिए धन्यवाद।